नेपाल की राजधानी काठमांडू में आईएसआई एजेंट की हत्या की खबर आ रही है। सीसीटीवी फुटेज में पूरी वारदात कैद हुई है। हमलावरों ने आईएसआई को दौड़ाकर गोली मार दी। लाल मोहम्मद उर्फ मोहम्मद दर्जी नाम के आईएसआई एजेंट की हत्या काठमांडू में 19 सितंबर की रात की गई। जिस वक्त हमलावरों ने लाल मोहम्मद पर हमला किया, उसे बचाने के लिए उसकी बेटी छत से कूद गई। आज तक को खुफिया एजेंसियों के हवाले से खबर मिली है कि लाल मोहम्मद आईएसआई के जाली नोट का भारत में सबसे बड़ा सप्लायर था। दाऊद इब्राहिम गैंग से भी वो संपर्क में था। मोहम्मद दर्जी पर दाऊद गैंग से लिंक का आरोप है और ये उस वक्त की फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं जब उस पर हमला किया गया। अरविंद ओझा इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। अरविंद, इस हत्या का मकसद क्या था, किन वजहों से इस आईएसआई एजेंट की हत्या की गई? देखिए, हत्या का मकसद क्या था इस बारे में अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है नेहा, लेकिन जो इंडियन एजेंसी के सोर्सेज ने आज तक तो बताया है वो ये बताया है कि जिस शख्स की हत्या की गई उसका नाम लाल मोहम्मद उर्फ मोहम्मद दर्जी है और ये पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई का नेपाल में जो जाली नोट का सबसे बड़ा जो धंधा था वो उसका किंग पिन था। उसके अलावा आईएसआई मोहम्मद लाल मोहम्मद को लॉन्च पैड की तरह इस्तेमाल करती थी। 19 सितंबर की ये पूरी घटना है, अगर आप देखें सीसीटीवी में, अपनी लग्जरी कार से लाल मोहम्मद आता है और जैसे ही घर के बाहर वो खड़ा होता है तो दो अज्ञात हमलावर ताबड़तोड़ उस पर हमला कर देते हैं। अगर आप देखें तो लाल मोहम्मद खुद को बचाने के लिए कार के इर्द गिर्द दौड़ रहा है और हमलावर लगातार उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर रहे हैं। इन्हीं सबके बीच उसकी बेटी, जो लाल मोहम्मद की बेटी है, वो भी छत से कूद जाती है अपने पिता को बचाने के लिए। दरअसल भारतीय खुफिया एजेंसियों की कब से निगाह थी लाल मोहम्मद पर। आईएसआई के लिए ये जाली नोट का काम करता था और सबसे बड़ा प्लेयर था। पाकिस्तान से जो भारतीय फेक करेंसी थी उसको ये नेपाल लाता था, उसके बाद नेपाल से वो भारत लाता था। इसके अलावा आईएसआई को लॉजिस्टिक सप्लाई करना, नेपाल में अगर कोई आईएसआई एजेंट आता था तो उसको लॉजिस्टिक सप्लाई करने का काम लाल मोहम्मद करता था। इंडियन एजेंसियों की निगाह भी इस पूरे हत्याकांड पर है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद इस तमाम जानकारी के लिए आपका। एक बार आपको वो वीडियो फुटेज दिखा देते हैं जिसमें ये पूरी घटना, ये पूरी वारदात कैद हुई है। इसमें लाल मोहम्मद दौड़ता हुआ अपनी जान बचाता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन हमलावर उसे बख्शते नहीं है और इस बीच छत से उसकी बेटी कूदती है उसकी जान बचाने के लिए।